वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी आईआईएससी पीजी एज वेल एज पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम के बारे में, एंड दैट इज फॉर दी एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023। ये सेशन जो है आपके लिए अगस्त 2022 में स्टार्ट किए जाएंगे। तो ऑलरेडी आईआईएससी बैंगलोर ने जो है बहुत से एरिया में ये पीएचडी एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम निकाले हैं। हम सभी को कवर नहीं करने वाले, हम उन्हीं एरियाज को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट से यानी लाइफ साइंसेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड कि उनके डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ कुछ मैंशनिंग है या नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपके सामने मैंशन है, एडमिशन नोटिस फॉर पीजी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023। Application are invited from eligible applicants for admission to the regular research programs, that is PhD and M.Tech research, course program in engineering, that is M.Tech, MDES and MMGT, and MSc in life sciences and chemistry, integrated PhD programs, external registration program. ये सारे areas जो हैं open किए गए हैं for the admissions. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अदर डिटेल। ये सारी चीजें जो है आपको एक बार ढंग से पढ़ लेनी पड़ेंगी, जो कि आईआईएससी के वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। दिस इज अ ओवरऑल लिंक, जहाँ पे आपको इस लिंक पे जाना है, फिर एडमिशन पे जाना है, फिर प्रोग्राम में जाना है, और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब जरा सा इस एग्जाम आई मीन टू से इस पोस्ट के बारे में बात करे थे, इस प्रोग्राम के बारे में बात करे थे कि क्या क्या बोला गया है। Applicant processing the education qualification including those in the final semester or year of their qualifying examination but expect to complete all the requirement for the award of degree like examination, project dissertation, viva voice by 31st of July 2022 and can furnish the necessary certificate on and before 31st of October 2022 are eligible to apply. अगर आप ऐसे student हैं जिनका final semester exam चल रहा है, या फाइनल सेमेस्टर में हैं आप मास्टर के, या फिर फाइनल ईयर में हैं आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपके सारे एग्जाम, प्रोजेक्ट, वाइवा वॉइस सब कुछ 31st of July तक कंप्लीट हो जाते हैं तो, और इस डिग्री से रिलेटेड जिसके लिए आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हो, इस डिग्री से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट है अगर 31st of October तक आ जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात कहें तो एमएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट अगर वो लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपका सारा एग्जाम, सारा प्रोजेक्ट, वाइवा वॉइस सब कुछ 31st of July तक खत्म हो जाना चाहिए, और उनसे रिलेटेड जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं वो 31st of October 2022 तक आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं और आप एमएससी के फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि पीएचडी के लिए कौन कौन से एरियाज या डिपार्टमेंट्स इनके पास अवेलेबल है। दैट इज पीएचडी इन साइंस फैकल्टी, दैट इज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंस, अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस। ये सारे एरिया जो है मेनली लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, आप इनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस इफ यू आर गोइंग फॉर द रिसर्च प्रोग्राम तो ये सारे एरियाज आपके लिए अवेलेबल है, इनकेस इफ यू आर ट्राइंग फॉर पीएचडी इन आईआईएससी बैंगलोर। तो ये एरिया जो है स्पेशली पीएचडी के लिए मेंशन होके रखा है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड है एमटेक में तो एमटेक के लिए ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ये भी यहाँ पे मेंशन है। अब जरा सा हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने क्या क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि आप लोग एलिजिबल कैसे कैसे हैं। सो एलिजिबिलिटी की बात करें, एप्लीकेंट प्रोसेसिंग अ मिनिमम ऑफ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिग्री एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एरियाज आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि मिनिमम बेसिस पे आपका सेकेंड क्लास या इक्विवेलेंट जो है लगभग मार्क्स होने चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर दीज पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। जैसे कि क्वालिफाइंग डिग्री में चला आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम जो पोर्शन है वो लाइफ साइंस का ही कवर करूंगी, तो अगर आपने 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस किया है तो आपके पास जो है ये क्वालिफाइंग डिग्री ये होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट दैट इज मोड ऑफ एंट्री जो होगा आपके लिए वो ये होगा कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एंड नेट जीआरएफ इज मैंडेटरी, या फिर नेट जीआरएफ आपके पास होना चाहिए जो कि एक मैंडेटरी बेसिस पे होगा। नेक्स्ट सेकेंड की बात करते हैं, आपका मास्टर डिग्री इन साइंस अगर है तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एज वेल एज नेट जीआरएफ मैंडेटरी होगा आपके लिए। नेक्स्ट
अगर आपकी मास्टर डिग्री है मेनली इन एग्रीकल्चर, फार्मेसी या वेटरनरी साइंस, आपके पास डिजायरेबल टू हैव अ वैलिड स्कोर, यानी आपके पास एक डिजायरेबल होना, मतलब अगर वैलिड आपके पास गेट स्कोर है तो वो डिजायरेबल होगा, एज वेल एज आपके पास नेट जीआरएफ या जीपैट, इन तीनों में से कोई भी एक होना जरूरी है। एमएस एमबीए मेनली इन इकोलॉजिकल साइंसेस, अगर देखा जाए तो आप लोग के पास जो है वैलिड गेट स्कोर या नेट जीआरएफ स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, अगर ऐसा आपके पास मतलब की क्वालिफाइंग डिग्री है तो आपके पास होगा डिजायरेबल टू हैव अ वैलिड गेट स्कोर और नेट जीआरएफ। अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री एमबीबीएस या एमडी है सो आपके लिए जो मोड ऑफ एंट्री होगा वो होगा डिजायरेबल टू हैव अ वैलिड गेट स्कोर एज वेल एज या फिर नेट जीआरएफ, ठीक है, दोनों में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट, बीई या बीटेक इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया या क्वालिफाइंग वो डिग्री है तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर नेट जीआरएफ इज मैंडेटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है द गेट, जीपैट, नेट जीआरएफ एंड अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन 1st August 2022, यानी उसकी वैलिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए 1st August, एटलीस्ट 1st August तक तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, जो नेट जीआरएफ है उसमें सिर्फ सीएसआर या नेट ही नहीं आता है, इसमें चले आते हैं सीएसआर, यूजीसी नेट जीआरएफ, यूजीसी नेट जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ, आईसीएमआर जीआरएफ, जेस्ट, एनबीएचएम रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर, ये सारे जो जीआरएफ वाले एरियाज होते हैं ये सारे चले आते हैं नेट जीआरएफ में। तो जो इन्होंने नेट जीआरएफ मेंशन किया है मैंडेटरी एरिया में, उसमें से इनमें से कोई भी एक जीआरएफ होगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीएसआई नेट जीआरएफ ही चाहिए, आपका डीबीटी है तो भी मतलब कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ टू बी एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू द नेट जीआरएफ मोड, अगर आप नेट जीआरएफ मोड के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका जीआरएफ क्लियर होना जरूरी है। एप्लीकेंट अप्लाइंग थ्रू द इंस्पायर मोड, अगर कोई बच्चा इंस्पायर फेलोशिप के मोड से अप्लाई कर रहा है, मस्ट बी पोजेसिंग अ वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन एट अ लेवल 2 ऑफ सिलेक्शन इशूड बाई डीएसटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपके पास वैलिड जो है इंस्पायर फेलोशिप का प्रूफ होना चाहिए, और जो कि ऑब्वियसली डीएसटी के थ्रू इशू किया जा सकता है, और वो आपको शो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ओवरऑल प्रोसीजर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द नेशनल टेस्ट एंड और क्वालिफाइंग डिग्री एज डिटेल इन द अबाउट टेबल। तो जो आप इनके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाले हो कि आपका सीएसआई नेट जीआरएफ हो या कोई और जीआरएफ हो, वो आपने मतलब कि सारा डिटेल जब आप सबमिट करोगे तो वहां मेंशन होगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो डिग्री होगी, लास्ट जो डिग्री आपने क्वालिफाई की है मेनली आपके एकेडमिक ईयर में, उन सब चीजों को देख के फिर एक इंटरव्यू की लिस्ट निकाली जाएगी। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो लिया जा सकता है बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। अभी जितना भी आपको मैंने डिटेल बताया वो था पीएचडी के लिए, राइट। अब इसके बाद जो है प्रोग्राम शुरू हो गया एमटेक के लिए, जो बच्चे एमटेक में इंटरेस्टेड है इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ एलिजिबिलिटी एंड ऑल सब कुछ मेंशन करके रख दिया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एमएससी करना चाहता है आईआईएससी बैंगलोर से, तो डिसिप्लिन है कौन कौन से, लाइफ साइंसेस भी है, केमिकल साइंसेस भी है। केमिकल साइंस के स्टूडेंट इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लाइफ साइंसेस के लिए मैं बता देती हूँ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए अ मिनिमम ऑफ अ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेस इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, वेटनरी साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए दैट इज जैम 2022 इन बायोटेक और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पेपर। नेक्स्ट, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका मिनिमम जो है फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट होना चाहिए इन बीई बीटेक डिग्री, अगर आपका ये क्वालिफाइंग एरिया है तो। आपके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन कौन सा होगा, आपका गेट इन बायोटेक क्लियर होना चाहिए या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लाइफ साइंसेस, इनमें से किसी भी एरिया में, ये जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन है इनमें से किसी भी एक एरिया में आपका गेट क्लियर होना चाहिए। जो एमएससी के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो कुछ इस तरीके से है कि लाइफ साइंस में 50% रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा, 50% इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू बेस्ड ऑन द जैम 2022 इन बीटी सीवाई एमए पीएच स्कोर और गेट इन बीटी बीएम ईसी ईवाई एमए पीएच एक्सेल स्कोर, ठीक है। तो आपका स्कोर भी मैटर करता है वहां पे, गेट में आपने कितने स्कोर लिए हैं। और
केमिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली 100% परफॉर्मेंस जो है उनका जैम 2022 में जो होगा एंड एज वेल एज सीवाई का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि हमारा चैनल लाइफ साइंस है तो मैं बायोलॉजिकल साइंस का बता देती हूँ, बाकी जो बच्चे केमिकल साइंस के हैं, मैथमेटिकल साइंस के हैं या फिजिकल साइंस के हैं वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपका डिसिप्लिन बायोलॉजिकल साइंसेस है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अ मिनिमम ऑफ अ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स वेटनरी साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंस। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए जैम 2022 इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और क्वालिफाइंग एरिया है अ मिनिमम ऑफ द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बीई एंड बीटेक डिग्री, और इस केस में जो है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए गेट बायोटेक, और इस केस में आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, सो द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम 2022 स्कोर फॉर ऑल द फोर डिसिप्लिन एंड दोज क्लियर्ड जस्ट 2022 फॉर फिजिक्स फिजिकल साइंस। तो इस तरीके से जो है बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए जैम 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फिजिकल साइंस के केसेस में इट विल बी बेस्ड ऑन द जस्ट 2022। तो आपने देखा इस तरीके से हमने तीन डिपार्टमेंट देख लिया लाइफ साइंस के लिए, राइट? लाइफ साइंस के लिए तीन डिपार्टमेंट हमने देख लिया, एक था सोलली पीएचडी, एक था एमएससी और एक था आईपीएचडी यानी इंटीग्रेटेड पीएचडी। आप इन एरिया में से जिस भी एरिया के लिए एलिजिबल हो, जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड हो और आपकी अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे हमने देखा और भी डिपार्टमेंट के लिए थे, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फॉर्म को डाउनलोड करके आप सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी होगी 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फी होगी 400, ईआरपी कैंडिडेट्स के लिए होगी इट विल बी 2000, एज वेल एज स्पॉन्सर कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड अबव उनकी होगी 800। फी जो है नॉन रिफंडेबल होगी इन एनी केस। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, पेमेंट के बारे में बात करें तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वीजा और मास्टर क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वेबसाइट पे जो फॉर्म का सबमिशन है वो ऑलरेडी 15th of February को स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, काफी यानी एक महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट सबमिशन का जो डेट है वो है 22nd of March 2022, यानी आपके पास अभी भी एक हफ्ते का टाइम है, आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी के बारे में जैसे कि कुछ मेंशन नहीं किया है तो जो भी रिजर्वेशन, कंसेशन या रिलैक्सेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी, इन सब से रिलेटेड जितने भी रिलैक्सेशन होंगे वो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। मिनिमम क्लास प्रिस्क्राइब इन क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन इज रिलैक्स्ड फॉर द पास क्लास फॉर द एससी एंड एसटी। एप्लीकेंट अप्लाई अंडर द ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी मस्ट इंश्योर दैट दे आर इन अ प्रोविजन ऑफ वैलिड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। आपके पास प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए टिल द March 31st। स्कॉलरशिप इस बात में बेस्ड होगी कि आपका मोड ऑफ एंट्री कौन सा है, किस एग्जाम के थ्रू आपकी एंट्री हो रही है उसके बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप डिपेंड करेगी। और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है, यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप फॉर्म को प्रॉपर ढंग से फिलअप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग द IISc बैंगलोर PhD, MSc यानी इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के बारे में, मेनली फॉर दी लाइफ साइंसेस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला।